तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पेंट प्लाजो धोती शलवार या फिर बच्चों के जो भी पजामे लगाएं गोल, -गोल नहीं आ पाती है, फिर मशीन से बाहर तो की प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ती है और एकदम मार्जिन बराबर आ, आए फिनिशिंग कैसे आएगी ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों को ना आए और अच्छे से आप लोग इलास्टिक लगाना सीख जाए तो चलिए करते हैं स्टार्ट इलास्टिक लगाना तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन रहने वाली है इस भी आप फैब्रिक में इलास्टिक लगा रहे हैं मान लीजिए पैंट में प्लाजो में उसमें आपको लंबाई में से ऊपर साइड आपको दो इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लेना है ये देखिए और ये हमें जो एरिया का निशान लगाया इसको छोड़ के लेना है यहाँ से ऐसे ये क्रॉच एरिया आएगा और दो इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा रहेगा ऊपर की साइड ये हमने ले लिया पूरे में दो इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा इसके बाद जितना भी हमारा कमर का साइज होगा उससे हमें चार इंच माइनस करके हमें इलास्टिक लेना रहती है तो मेरी कमर का साइज है ट्वेंटी एट इंच तो मैंने फोर इंच माइनस करके ट्वेंटी फोर इंच की इलास्टिक ले ली है इस इलास्टिक को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है और पक्की सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे कुछ इस तरह से इसके बाद जिस भी चीज़ में आप प्लास्टिक डाल रहे हैं उसको आपको सीधा करके रख लेना है जैसे मैंने रखा है ये देखिए मेरा प्लाजो है और इसको मैंने सीधा करके रखा है यहाँ से एक फैब्रिक को हटाएंगे ये है हमारा गोल गोल ये देखिए पूरा रेडी कर लेना है आपको और गोल गोल ले लेना है तो ये हमारा गोल गोल है और लास्टिक भी हमारी गोल गोल है इसके अंदर हम इस तरह से ऐसे गोल गोल अंदर करेंगे कैसे करेंगे ये देखिए ये हमने यहाँ से निशान के बराबरी से रखा पूरे फैब्रिक को पलट दिया और इसमें से आधे इंच अंदर कर देंगे तो यही आपको निशान के पास से लास्टिक को रखते जाना है और इस तरह से फोल्ड करके लास्टिक को अंदर करते जाना है नेफे के अब अगर लास्टिक कम पड़ रही है तो इसको इस तरह से खींच दीजिए और ये वाली सिलाई लगाते टाइम आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अभी जो हम सिलाई लगा रहे हैं वो सिलाई हमारी लास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए लास्टिक के बिल्कुल बगल में आनी चाहिए अगर लास्टिक के ऊपर ये वाली सिलाई आ जाएगी तो हमारी लास्टिक फिर स्ट्रेच नहीं होगी यहाँ पर इस सिलाई से सिलाई को मिला दीजिए अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है तो थोड़ी सी आप चुन बना दीजिए अब यहाँ से इस तरह से हमें लास्टिक को इकट्ठा करते जाना है ये देखिए खींच के बाहर निकालते जाएंगे और फैब्रिक को इकट्ठा करते जाएंगे अब फिर से हम अंदर करेंगे नेफा बनाकर तो नेवा बना कर लास्टिक को पूरा हमने अंदर कर दिया है अब ये जो मार्जिन एक साइड जा रहा है इसको हमें इस तरह से लेना है और खींच देना है और खींच के मार्जिन को पूरे में फैला देंगे तो इससे क्या मार्जिन पूरे में बराबर आ जाएगा अब हम लगाएंगे लास्टिक के ऊपर सिलाई Osionfish. तो लास्टिक के ऊपर हमें सिलाई अंदर साइड से लगानी है ऊपर साइड से नहीं लगानी है नहीं तो जो भी अगर झोल वगैरह आएगा वो हमें ऊपर दिखेगा अगर अंदर से लगाएंगे तो वो झोल अंदर चला जाएगा इसलिए हम हमेशा अंदर से सिलाई लगाते हैं तो सिलाई लगानी कहाँ से है एक सिलाई लगाएंगे हम यहाँ से और एक सिलाई लगाएंगे हम यहाँ से एक सेंटीमीटर दूर फिर एक सेंटीमीटर दूर और लगाएंगे इस ट्रिक से ये, ये वाली ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिएगा पहले आपको मशीन की सुई को अंदर कर देना है सुई को अंदर कर दिया इसके बाद पीछे वाली इलास्टिक को इस वाले हाथ से इस तरह से पकड़ेंगे ये देखिए यहाँ से ऐसे और इस वाली को इससे पकड़ेंगे ऐसे यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से लास्टिक को खींचना है और मार्जिन को बिल्कुल लेवल कर लेना है ये देखिए पूरा साल वाला कपड़ा नहीं होना चाहिए प्लेन हो जाना चाहिए और इस वाले हाथ का भी यूज़ करना है और इस कपड़े को इस साइड करना है इसमें ऐसे नहीं आना चाहिए दूर चले जाना चाहिए इस तरह से तो देखिए लास्टिक के ऊपर सिलाई कुछ इस टाइप से लग रही है यहाँ पर बिल्कुल एकदम टाइट लास्टिक आना चाहिए फैब्रिक हमारा यहाँ पर फूलना नहीं चाहिए नहीं तो आप ऐसा करें कि फैब्रिक हमारा यहाँ चला जाए और लास्टिक अंदर साइड रह जाए ऐसी फिनिशिंग आना चाहिए एकदम टाइट लास्टिक आना चाहिए फैब्रिक बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखना चाहिए तो ये कैसे आएगा ये देखिए ऐसे आएगा इसको हमने पकड़ा ऐसे अभी तो ये इधर जा रहा है लेकिन हम इस वाले हाथ से ऐसे खींचेंगे तो ये देखिए एकदम टाइट हो गया यहाँ से ये देखिए हो गया ना टाइट ऐसी ट्रिक आपको यूज करनी है एक सिलाई हमने लगा दी यहीं से एक सेंटीमीटर दूर शिफ्ट हो जाएंगे और एक सिलाई और लगाएंगे तो लास्टिक पर हमने ऊपर से सिलाई भी लगा दी है और ये देखिए लास्टिक की ऊपर की फिनिशिंग देखिए कितनी बढ़िया आई है तो अगर आप ये वाली ट्रिक यूज़ करेंगे तो लास्टिक की आपकी यहाँ की फिनिशिंग तो अच्छी आएगी ही आएगी ये देखिए ऊपर की फिनिशिंग तो अच्छी आने वाली है जो सुकड़न के साथ रहेगी और अगर आप स्ट्रेच भी करेंगे तो ये देखिए फिनिशिंग देखिए कितनी बढ़िया आई ऐसा नहीं कि एक भी सल आ गई हो कहीं पर भी आपको सल नहीं दिखेगी और पूरा भी आप खींचेंगे स्ट्रेच करेंगे तो ये देखिए मार्जिन पूरा प्लेन रखा हुआ है ऐसा नहीं है यहाँ से सुखड़ान सुखड़ान आ रही है ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि यहाँ से इसको सूखड़ी सुखड़ी रख लेते हैं तो वो फिनिशिंग नहीं दिखती है ये देखिए लास्टिक में ऐसी फिनिशिंग आना चाहिए तो लास्टिक लगाने की ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और इसी टाइप के अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय